गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को होस्टिंगर एआई बिल्डर से एक वेबसाइट बनाकर दिखाऊंगा। हम लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जब बात आती है एक वेबसाइट को बनाने की, और खासकर अगर हम लोगों को वेबसाइट बहुत कम टाइम में चाहिए होती है तो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं जैसे कि वर्डप्रेस हो गया, मैंने tailblogs.cc के बारे में आपको बताया, स्टैटिक वेबसाइट्स के लिए और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं होस्टिंगर के एआई बिल्डर को कि क्या क्या ऑप्शंस एआई देता है हमको वेबसाइट बनाने के, और अगर एआई रिप्लेस करेगा वेब डिजाइनर्स को तो किस तरह से एआई बना के देगा वेबसाइट, किस तरह से आपका रोल होगा और क्या चैलेंजेस रहेंगे कि वेब डेवलपर्स की स्टिल जरूरत पड़ेगी। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एक बिजनेस वेबसाइट बनाएंगे फ्रॉम स्क्रैच यूजिंग होस्टिंगर एआई बिल्डर। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं आ चुका हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर, और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को अगर आप लोग क्लिक करोगे तो आप इस पेज पर आ जाओगे। एंड होस्टिंगर की बिगेस्ट ब्लैक फ्राइडे सेल अभी चल रही है, जिसका लाभ उठाकर आप लोग होस्टिंगर पे एआई वेबसाइट बिल्डर खरीद सकते हो। और एआई वेबसाइट बिल्डर खरीदने के बाद आप लोग जो भी मैं कर रहा हूं इस वीडियो में को फॉलो अलोंग कर सकते हो। तो मैं क्लेम डील पर यहां पर क्लिक करूंगा एंड मैं यहां पर ऐड टू कार्ट पर क्लिक करूंगा, एंड यहां पर आप देख सकते हो कि मैं यहां पर अपना ईमेल वगैरह देकर जल्दी से इस पूरी प्रोसेस को फिनिश करूंगा और फिर वापस आता हूं। तो मैं गूगल पर क्लिक करूंगा सबसे पहले, तो और गूगल पर क्लिक करने के बाद आई वॉन्ट टू साइन इन विद गूगल, एंड मैं ऑलरेडी साइन इन हो चुका हूं। मैं पेटीएम पर क्लिक करूंगा एंड पेटीएम पर क्लिक करके सबमिट सिक्योर पेमेंट पर क्लिक करूंगा, तो मुझे यहाँ पर वेबसाइट बिल्डर मिल रहा है। कंटिन्यू विद पेटीएम करूँगा और यहाँ पर मैं इसको स्कैन करके और मैं अपना पेमेंट जो है वो पूरा कर रहा हूँ। एंड फाइनली आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने ये जो पेमेंट है वो कर दिया है, और फाइनली होस्टिंगर ने मुझसे हेलो कह दिया है। मैं स्टार्ट नाउ पर क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर क्रिएट अ न्यू वेबसाइट पर मैं क्लिक करूँगा, तो स्टार्ट बिल्डिंग योर वेबसाइट विद वर्डप्रेस और अदर सीएमएस, तो सेलेक्ट करेंगे इसको। मैं यहाँ पर सेलेक्ट करने वाला हूँ होस्टिंगर बिल्डर विद एआई, जिसमें कि एआई से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक फ्री डोमेन क्लेम करूँगा, और मैं चूज़ नहीं करूँगा डोमेन, मैं एक नया डोमेन क्लेम करने वाला हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर क्या कहते हैं इसको बनाऊँगा। तो लेट अस से कि जो हमारा बिजनेस है वो एक जिम वेबसाइट है, तो मैं harryfitness.com.co.in लेट्स से मैं harryfitness.in सर्च करता हूँ, क्या ये उपलब्ध है? यस, हैरीज फिटनेस करें क्या इसको, harryzfitness.in, हैरीज फिटनेस इज़ गुड, हाँ harryzfitness.in। तो यहाँ पर चूज़ अ डोमेन, लेटर मैं करूँगा तो यहाँ पर आएगी, लेकिन ठीक है मैंने अभी यहाँ पर कर लिया है अपना डोमेन चूज़। मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा और इसके बाद मैं यहाँ पर फिनिश रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही क्लिक करूँगा मेरा जो रजिस्ट्रेशन है वो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं वेट कर रहा हूँ अपने रजिस्ट्रेशन के फिनिश होने का, एंड जैसे ही मैं फिनिश करूँगा रजिस्ट्रेशन को मैं रीडायरेक्ट हो जाऊँगा टू वेबसाइट बिल्डर। तो यहाँ पर मैं रीडायरेक्ट हो रहा हूँ टू वेबसाइट बिल्डर, एंड जैसे ही मैं वेबसाइट बिल्डर पर आ जाऊँगा मैं अपनी वेबसाइट को बनाना स्टार्ट कर दूँगा। तो यहाँ पर builder.hostinger.com पर ये मुझे रीडायरेक्ट कर देगा, एंड लेट एआई क्रिएट योर वेबसाइट इन मिनट्स। तो चलो यार एआई मेरी वेबसाइट को बनाओ। ब्रांड नेम है हैरीज फिटनेस, और इसके बाद जो वेबसाइट टाइप है वो होने वाली है हमारी, ऑनलाइन स्टोर नहीं होगा, ब्लॉग भी नहीं होगा, बिजनेस शोकेस ज़रूर होगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखूँगा, इन्होंने देखो एक प्रॉम्प्ट का एग्जांपल दिया हुआ है, वी आर अ सस्टेनेबल फार्मिंग कंपनी, और यहाँ पर वी आर अ जिम बेस्ड इन रामपुर यूपी एंड वी स्ट्राइव टू प्रोवाइड फिटनेस वर्कआउट्स एंड मील प्रेप्स फॉर आवर कस्टमर्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक अच्छा डिस्क्रिप्शन हमने दिया है, और मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ एआई से कि भाई हमारी वेबसाइट को बना दिया जाए, एंड एआई ने काम चालू कर दिया है। लुकिंग फॉर मैचिंग पिक्चर्स, पिकिंग जस्ट राइट कलर्स, ऑसम यार, फॉन्ट स्टाइल्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा है, मतलब जो काम डेवलपर करता है ना वो एआई कर रहा है बैठ के। अब आप आराम से जो है यहाँ पर इंस्टा चलाओ जो तीन में ही कर रहा है, ठीक है। ओके, सो लेट्स वेट फॉर इट, अप्लाइंग फिनिशिंग टचेस। तो ये टचिंग कर रहा है, और जैसे टचिंग हो जाएगी योर वेबसाइट इज़ रेडी। क्या बात है, इतनी जल्दी, ओ वाओ, क्या बात है यार, आई एम रियली इम्प्रेस्ड यार। हैरीज फिटनेस, होम, मेन्यू, कॉन्टैक्ट, एक सेक्शन आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अब बता दो इनको कैसी है साइट, भाई मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। अबाउट अस लिखा हुआ है, वी आर अ जिम बेस्ड इन रामपुर यूपी डेडिकेटेड टू, और यहाँ पर सर्विसेज इंक्लूड पर्सनलाइज वर्कआउट्स, ओके। तो यहाँ पर वर्क हार्डर वाली इमेज भी है, फिर कॉन्टैक्टर्स, क्या बात है यार, क्या बात है, सब कुछ यहाँ पर जो है लिखा हुआ है। आप चाहो तो इसको एडिट कर सकते हो टेक्स्ट को, तो मान लो मैं यहाँ पर डालना चाहता हूँ harryzfitness.com, मान लो मेरा ईमेल है, तो मैं यहाँ पर harry@harryzfitness.com कर दूंगा,
एंड आई थिंक मैं यहाँ पर जो लिंक्स हैं उनको भी असाइन कर सकता हूँ। वाह यार कितना कन्वीनियंट है, यहाँ पर आप इसको एडिट कर दो एंड उसके बाद हो गया काम, बस हो गया काम। ये आपका जो मेन्यू है वो है, ये कॉन्टैक्ट है, ये मेन्यू वाला सेक्शन है, और यहाँ पर अगर आप चाहो तो ऐड सेक्शन पर क्लिक करके सेक्शन भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे सेक्शन हैं, जैसे मान लो मैं यहाँ पर स्लाइड शो ऐड करना चाहता हूँ, करता हूँ स्लाइड शो ऐड, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये स्लाइड्स जो हैं ऐड हो गई हैं। अब मान लो मैं इस सेक्शन को एडिट करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इस तरह से डॉट डॉट दिखे, नेविगेशन एरो का कलर जो है वो लेटर से मैं चाहता हूँ रेड हो जाए, रेड तो अच्छा नहीं लग रहा है, ब्लू हो जाए, ठीक है कुछ इस तरह से ब्लू हो जाए और वाइट की तरफ ब्लू हो जाए ताकि दिखे भी है, ठीक है। तो ब्लूइश वाइट मैंने कर दिया, तो मैं इस तरह से सब चीज़ें चेंज कर सकता हूँ सेटिंग्स पर जाके, ऑटो प्ले स्लाइड येस, और हर 4 सेकेंड में या फिर हर 2 सेकेंड में अगर मैं करना चाहूँ प्ले तो भी चलेगा, लूप भी करना चाहता हूँ स्लाइड्स को। वाह यार मतलब जो चीज़ें आप अपने डेवलपर को बताते हो वो सब इन्होंने यहाँ पर कर दी हैं। और इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में इस वीडियो के एंड में बात करूँगा, तो मैं भी सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि ये उन लोगों के लिए अच्छी है जो लोग कोडिंग नहीं जानते हैं, जो लोग अपने बिजनेस शो के लिए क्विक वेबसाइट बनाना चाहते हैं, और जो लोग बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहते हैं वेबसाइट्स बनाने के लिए, बस ये चाहते हैं कि यार हमारी भी ऑनलाइन प्रेजेंस है। जैसे कि अगर आप लोग गूगल पर अपने बिजनेस को रजिस्टर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस गूगल पर दिखे, तब आपको एक वेबसाइट देनी पड़ती है जिस पर यूज़र्स विजिट करेंगे, और अगर वो वेबसाइट प्रीमियम होगी तब आपके बिजनेस की एक अच्छी छवि बनेगी कस्टमर्स की नज़रों में, तो उस चीज़ के लिए काफ़ी बढ़िया है। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक बात करना चाहता हूँ, वो ये है कि क्या वेब डेवलपर्स को ये चीज़ रिप्लेस कर देगी। देखो यार अगर बहुत बेसिक वेबसाइट्स की हम लोग बात करें, डिज़ाइंस की बात करें, अगर यूज़ केस सिर्फ इतना ही है कि यार कोई भी बनाना चाहता है अपनी एक वेबसाइट बिजनेस को शोकेस करने के लिए, तो यार वो इसका इस्तेमाल करेगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं जो कि सिर्फ वेब डेवलपर्स ही आज की तारीख में कर पा रहे हैं, जैसे कि अगर आप चाहते हो कि एक पर्टिकुलर डेटा बेस से कनेक्ट करा जाए और एक पर्टिकुलर तरह का, लेट से मैंने 5-6 डेटाबेसेस लगाए हुए हैं बैलन पे और शार्डिंग और ये सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, और मान लो मैं एक अपना कस्टम बैकएंड भी यूज़ कर रहा हूँ, मैं मेरी वेबसाइट में वीडियो कॉलिंग वगैरह के भी फीचर्स हैं, तो वहाँ तो हाँ मैं कह सकता हूँ कि यार वेब डेवलपर्स को ये चीज़ रिप्लेस करेगी। लेकिन यार बिहाइंड द सीन इस बिल्डर में भी बहुत सारी इंजीनियरिंग हो रखी है जिसके लिए वेब डेवलपर्स की ज़रूरत पड़ी ही होगी, तो उनको वेब डेवलपमेंट आता है तब वो इस तरह की जो वेबसाइट है उसको अंजाम दे पाएँ, इस तरह के बिल्डर को अंजाम दे पाएँ, ठीक है। तो कुल मिलाकर जितना फैंसी ये दिख रहा है इसके बिहाइंड उतनी ही ज़्यादा फैंसी मेहनत और इंजीनियरिंग हुई हुई है। विद दैट सेट आगे बढ़ते हैं और मैं अब आपको फुल एडिट मोड के बारे में दिखाता हूँ। अब आप देखो फुल एडिट मोड में क्या है कि आप अपनी वेबसाइट को चेंज कर सकते हो और आपको कोडिंग की ज़रूरत नहीं है। बाय द वे मैं बता दूँ, अगर आप लोग यहाँ पर फुल एडिट मोड में जाना चाहते हो तो ऐसा नहीं है फुल एडिट मोड का मतलब कोडिंग वाला वो नहीं है, तो मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअली में क्या है ये चीज़। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि गेट फिट नाउ ये लिख कर आ रहा है, और उसी के साथ साथ आपने यहाँ पर देखा कि एडिट हेडिंग टेक्स्ट, अपडेट इमेज, एडिट पैराग्राफ टेक्स्ट, ये सारी की सारी चीज़ें हमको देखने को मिल रही हैं। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पर अभी, और वो ये है कि मैं लेटर से इस टेक्स्ट को मैं AI असिस्ट करके रखना चाहता हूँ, कुछ बात बोलना चाहता हूँ इसको कि कैन यू चेंज दिस टेक्स्ट टू लुक मोर लाइक इट्स फ्रॉम अ जिम, ठीक है। बहुत ही रैंडम सी बात लिखी है, पता नहीं क्या करेगा इसका, गेट फिट नाउ को ही क्या करेगा। और यहाँ पर मैंने जनरेट टेक्स्ट किया और प्लीज़ प्रोवाइड अ क्लियर डिस्क्रिप्शन, कह रहा भाई ये क्या कह रहे हो, सही से डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करो, चेंज इट टू कंटेन जिम वर्ड, ठीक है, जनरेट इमेज एंड आई गेस मैं इसको कीप कर सकता हूँ, और मैं इसको कीप करूँगा तो इसने जो है टेक्स्ट को चेंज किया, तो यहाँ पर लिख कर आ रहा है सॉरी आई कांट जनरेट अ पैराग्राफ, तो आप अपना पैराग्राफ डाल सकते हो बेसिकली यहाँ पर, ठीक है। अगर इसको सेंसिबल लगेगी कोई चीज़ तो ये करेगा, वरना ये नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो होम है, मेन्यू है, कॉन्टैक्ट है, आप अपने फ़ोन में ये कैसा दिखेगा ये देख सकते हो, और उसी के साथ साथ आप यहाँ पर मान लो इनकी जो ऑर्डरिंग है वो चेंज करना चाहते हो, ये मेन्यू जो है इसकी ऑर्डरिंग चेंज करना चाहते हो, पेजेस एंड नेविगेशन में जाकर इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, और मान लो मैं चाहता हूँ कि जो मेन्यू है वो सबसे एंड में आए, वैसे तो इसकी पोजीशन बिल्कुल सही है, बट इन केस आप चेंज करना चाहते हो तो इस तरह से कर सकते हो। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरह से आप लोग किसी भी तरह की इमेज है उसको चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो ये इमेज है, ठीक है, मैं इसको एडिट इमेज करूँगा, मान लो मैं इसको एक शेप देना चाहता हूँ कुछ इस तरह का, मान लो मैं चाहता हूँ इस तरह की शेप में ये दिखे, या मैं चाहता हूँ इस तरह की शेप के अंदर आ जाए, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। फिर इमेज को अगर मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ तो इनके पास बहुत सारे अपने इमेजेस होते हैं जो कि मैं यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं फिटनेस अगर यहाँ पर लिखूँ तो कुछ फ्री इमेजेस हैं जो कि मैं होस्टिंग या बिल्डर के अंदर रहते हुए यूज़ कर सकता हूँ। लेट अस से कि मैं ये डंबल्स वाली फ़ोटो रखना चाहता हूँ, या ये दीदी की लगा देता हूँ फ़ोटो, और ऐड टू पेज करता हूँ, एंड यहाँ पर देखो ये वाली फ़ोटो आ गई। आई होप ये वाली इमेज हम यूज़ नहीं कर रहे हैं इस पेज पर, क्योंकि अजीब लगेगी, रिपीट होगी इमेज, तो हाँ ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ पर भी इसी तरह का एक शेप रखना चाहता हूँ जस्ट कंसिस्टेंसी दिखाने के लिए, तो मैं यहाँ पर इस तरह का शेप ला सकता हूँ ताकि ये कुछ अच्छा दिखे, मान लो मैं ये लेकर आता हूँ, और यहाँ पर ये वर्क हार्डर इमेज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो लेट अस से मैं यहाँ पर
जिम एक भैया की इमेज लगाऊंगा मैं, कोई वर्कआउट कर रहे होंगे भैया लोग मिल गए मुझे, इनको ऐड टू पेज कर दूंगा मैं। तो दीदी भैया दोनों आ गए यहाँ पर, क्योंकि हमारा जो जिम है वो यूनिसेक्स है, मेन के लिए भी है विमेन के लिए भी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि और चीज़ अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। फिर कुछ AI टूल्स हैं, जैसे AI राइटर है, AI हीट मैप है। जैसे मान लो मैं AI राइटर को बोलना चाहता हूँ कि जनरेट अ डिस्क्रिप्शन, मैं AI राइटर को बोलता हूँ और मैं बोलता हूँ हेल्थ एंड लिविंग, और मैं बोलूँगा जिम, यस जिम, और पैराग्राफ अबाउट, ठीक है, जनरेट करो भाई अबाउट टेक्स्ट जिम का, और ये जनरेट कर देगा। दैट्स अ ब्यूटी। आर यू रेडी टू टेक योर फिटनेस जर्नी टू द नेक्स्ट लेवल? मैं इनमें से कोई भी टेक्स्ट एक कॉपी कर सकता हूँ और यहाँ पर मैं लगा सकता हूँ, ठीक है, लगा दिया मैंने। लो, तो इस तरह के टेक्स्ट जो काम डेवलपर ChatGPT भी जा जाके करते हैं वापस, वो यहाँ पर बिल्ट इन इन्होंने कर दिया है, जो कि एक काफ़ी बढ़िया चीज़ है मेरे हिसाब से। सो यार, एक और फीचर जो मैं बताना चाहता हूँ इसका, वो ये कि आप जब फॉर्म में आकर एडिट फॉर्म पर क्लिक करते हो तो आप यहाँ पर कन्फिगर कर सकते हो कि यार कोई भी इंसान इस फॉर्म को भरेगा तो किस ईमेल पर जाएगा, तो कोई भी इसको भरेगा वो मेरे ईमेल पर जाएगा, और मैं यहाँ से फॉर्म सबमिशंस को देख भी सकता हूँ। तो मैं ज़्यादा इसके फीचर्स अभी नहीं बताऊंगा, मैं अभी लाइव जाऊँगा सीधा वेबसाइट के साथ, गो लाइव करूँगा तो मेरी वेबसाइट जो है वो लाइव चली जाएगी, और देखते हैं कैसा लगेगा मेरा वेबसाइट का लुक जब मैं लाइव जाऊँगा। तो अब देखो यार, मैं तो इसको यहाँ पर लाइव कर रहा हूँ अभी, मैं यहाँ पर इसको लाइव कर दूंगा, बट आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप चाहो तो इसको सेक्शन हाइट वगैरह बढ़ा सकते हो यहाँ पर, या आपकी वेबसाइट की सेक्शन हाइट बढ़ गई। अगर आप चाहते हो टेक्स्ट थोड़ा नीचे होता है या थोड़ा सा चौड़ा होता पतला होता, वो भी कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक करके इस अबाउट अस सेक्शन को बड़ा कर सकते हो, जैसे आपको सही लगे आप कर सकते हो। इमेज की साइज़ को छोटा कर लो, मतलब ऐसे समझ लो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ये, ठीक है, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कर लो आप लोग। और इसके बाद ये ज़रूर चेक कर लो कि फ़ोन में अच्छा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। एंड फाइनली दैट्स इट, प्रीव्यू करके देख लो। यहाँ पर प्रीव्यू करोगे तो पब्लिश नहीं होगा, तो ये देखो यहाँ पर कुछ इस तरह से आपकी वेबसाइट प्रीव्यू हो रही है, और प्रीव्यू करने के बाद आपको अगर अच्छी लग रही है तो आप पब्लिश कर दो। एक और चीज़ यहाँ पर AI से रिलेटेड ये थी कि जो AI टूल्स हैं इसमें लोगो मेकर है, तो आप अपना एक लोगो भी बना सकते हो AI के थ्रू, एंड इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपने ये प्लान लिया हुआ है। तो जैसे मैं लेता हूँ हैरीज फिटनेस, और यहाँ पर लिखता हूँ कि इट्स अ जिम, क्रिएट अ बेसिक लोगो। मुझे एक्चुअली बेसिक लोगो चाहिए, अगर आपको थोड़ा सा फैंसी लोगो चाहिए तो गो फॉर इट, बता दो इसको यार मुझे फैंसी चाहिए, ये कलर चाहिए, ऐसा चाहिए। एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखोगे तो अच्छा लोगो बनेगा, जितना अच्छा प्रॉम्प्ट उतना बढ़िया लोगो, उतनी बढ़िया वेबसाइट, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर 17 सेकेंड लेफ्ट है तो मैं वेट करूँगा इसका, और ये जैसे ही बना लेगा ना उसके बाद मैं यहाँ पर वापस आऊँगा। बट अभी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि आप चाहो तो अनडू कर सकते हो, रीडू कर सकते हो, ये सारे फीचर्स जो है आप लोग इसके इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पर देखो इसने बना दिया लोगो मेरा, तो मान लो मैं चाहता हूँ कि यार ये वाला लोगो अच्छा लग रहा है मुझे, एक्चुअल में ये वाला लोगो अच्छा लग रहा है, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि इसको डाउनलोड कर लूँगा मेरे लोगो को, और मेरी लोगो की सारी फाइल्स जो है डाउनलोड हो गई हैं। तो अगर मैं इस फोल्डर में जाऊँ, राइट क्लिक करूँ इसको, और यहाँ पर मैं एक्सट्रैक्ट ऑल करूँ, तो मेरी सारी लोगो फाइल्स जो है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी। आप लोग देखो, तो आप लोग यहाँ पर देखो लोगो फाइल्स एक्सट्रैक्ट हो गई हैं, और इसने मुझे एक SVG दे दी, एक फैव आइकन दे दिया, सब कुछ दे दिया, और वो चाहूँ तो मैं अपनी वेबसाइट पे इनकॉर्पोरेट कर सकता हूँ। और अगर मैं कोई ऐप वैप बना रहा हूँ कहीं और, मैं अपनी PDF वगैरह बना रहा हूँ, सब जगह अपने लोगों को इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये लोगो काफ़ी तगड़ा लगा भाई साहब मुझे। तो एक बार फाइनल पब्लिश करने से पहले, लाइव करने से पहले, आप लोग प्रीव्यू करके ज़रूर देखें, ठीक है, अपनी वेबसाइट को। और यार मैं तो बहुत खुश हूँ अभी अपनी वेबसाइट से। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पर जल्दी से गो लाइव पर क्लिक करता हूँ, एंड गो लाइव, ठीक है, बढ़िया। वैसे एक अच्छा आइडिया ये कि आप फ़ोन के लिए भी एडिट कर लो, आप डेस्कटॉप के लिए भी एडिट कर लो, और आपकी साइट जो है वो लाइव हो गई इतनी जल्दी। वाह यार, दैट वॉज एक्चुअली वेरी फास्ट। ओके, SSL सर्टिफिकेट के साथ harryfitness.in इज लाइव, आप लोग इस पर जाओ और इसको चेकआउट कर सकते हो। कैसी लग रही है आपको ये वेबसाइट, आप मुझे ज़रूर बताना। बाय द वे, आप लोग इससे क्लाइंट्स को भी वेबसाइट्स बनाकर दे सकते हो। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो कि ये चाहते हैं कि यार उनको बिल्कुल भी हैसल नहीं चाहिए, वो नहीं लॉगिन करना चाहते कहीं पर, वो नहीं बाय करना चाहते कुछ बिल्डर वगैरह, उन्हें डर लगता है कि यार वो मैनेज भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आपकी एक्सपर्टीज़ काम आती है। AI को यूज़ करना भी एक स्किल है यार, ये चीज़ बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं, और अगर आपने ये चीज़ समझ ली, जितनी जल्दी समझ ली उतना बढ़िया आप लोगों के लिए होगा। सो आपका क्या कहना है इस बिल्डर के बारे में? मेरा कहना तो ये है कि यार जितना AI को आप यूज़ करोगे और जितना AI को यूज़ करके अपना भला करोगे उतना अच्छा है। AI, इफ AI इज़ मेकिंग योर लाइफ बेटर, वाई नॉट यूज़ AI एंड मेक योर लाइफ बेटर, इफ दैट मेक सेंस, ठीक है। सो इसी के साथ इस वीडियो को मैं कंक्लूड करना चाहूँगा, और आप लोग अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना, क्योंकि आप लोगों के विचारों से मैं भी पर्सनली बहुत कुछ सीखता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।